एक और बड़ी खबर, आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन को गैर कानूनी बता दिया है। ईडी के समन की वैधता का मामला अब कोर्ट में, ऐसा कहना है आम आदमी पार्टी का। इसके अलावा आम आदमी पार्टी का कहना है कि कोर्ट के फैसले का इंतजार करें, परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी। बड़ी खबर आपको बता रहे, एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल को समन दिया जा रहा है, लेकिन आखिरकार एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ईडी के समन पर पेश नहीं हुए हैं। ईडी के समन की वैधता का मामला अब कोर्ट में, ऐसा कहना है आम आदमी पार्टी का। कोर्ट के फैसले का इंतजार करें ईडी, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही है। क्योंकि 17 को उनकी पेशी होनी थी और कहा जा रहा था कि ईडी के समन पर वो पेश हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल यह खबर सामने आ चुकी है। अपडेट इसमें सामने ये है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के समन पर एक बार फिर से पेश नहीं हुए हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन को शुरुआती तौर पर ही गैर कानूनी बता दिया है। तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि ईडी के समन की वैधता का मामला अब कोर्ट में है, अब कोर्ट ही आगे का फैसला लेगा। बड़ी खबर आपको बता रही है, कोर्ट के फैसले का इंतजार करना है ईडी को, ऐसा कहना है आम आदमी पार्टी का। बड़ी खबर आपको बता रही है, आज की अपडेट, आज भी ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे और पेश नहीं होने से पहले उन्होंने तमाम बातें कही है कि ईडी का ये जो समन है वो पूरे तरीके से गैर कानूनी है। चाहती है बीजेपी पर सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पर यह कहना है, यह चाहत है कि मुझे गिरफ्तार किया जाए और आगामी लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं मैं भागीदार ना रहूं।